आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख और सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्मावलंबी जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, सबसे पहले उनके द्वारा भगवान श्री गणेश का आह्वान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी निराकार दिव्यता है जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश बहुत दयालु है और भक्तों को सदैव आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री गणेश को देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र माना जाता है। भगवान गणेश के नाम का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। गण का अर्थ है समूह। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वाइच नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी है गणेश जी। वे ही वह सर्वाइच चेतना है जो सर्वव्यापी है और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करती है। आदि शंकराचार्य जी ने गणेश जी के सार का बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र में विवरण किया है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन माना जाता है कि यह आकार या स्वरूप वास्तव में उस निराकार परब्रह्म रूप को प्रकट करता है। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एकदंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। भगवान श्री गणेश जी अजम निर्विकल्पन निराकार में कम है। इसका अर्थ होता है कि गणेश जी अजम अजन्मे है, निर्विकल्प बिना किसी गुण के है, निराकार बिना किसी आकार के है और वे उस चेतना के प्रतीक है जो सर्वव्यापी है। भगवान श्री गणेश जी वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आइए भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों में से पहले अवतार वक्रतुंड के संबंध में जानते हैं विस्तार से कि गणेश भगवान ने क्यों लिया था वक्रतुंड अवतार। गणेश जी के 8 प्रमुख अवतारों में प्रथम वक्रतुंडा अवतार माना जाता है। यह अवतार ब्रह्मा को धारण करने वाला है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी ने वक्रतुंड रूप में अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए लिया था। मत्सरासुर परम शिव भक्त था और उसने उनकी उपासना करके अभय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात देवगुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तब सारे देवता शिव जी की शरण में पहुंचे, जिस पर शंकर जी ने उनसे कहा कि वे गणेश जी का आह्वान करें। देवताओं द्वारा आह्वान करने पर गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर प्रकट हुए। इसी वक्रतुंड अवतार ने मत्सरासुर को उसके सहयोगियों समेत पराजित किया। बताते हैं कि बाद में मत्सरासुर गणपति का परम भक्त हो गया था। आइए अब बताते हैं भगवान गणेश जी के वक्रतुंड अवतार की कथा के बारे में। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेकों अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख है। पहला अवतार भगवान वक्रतुंड का है। ऐसी कथा है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सरासुर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त कर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे अभय होने का वरदान दिया। कथा के अनुसार शास्त्रों के अनुसार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए गणेश जी ने वक्रतुंड का अवतार लिया था। मत्सरासुर शिव जी का परम भक्त था। राक्षस मत्सरासुर को शिव जी से अभय होने का वरदान प्राप्त था। यह वरदान पाने के बाद उसने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार वह अवतार ब्रह्मा को धारण करना था। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र के प्रमाद से ही मत्सरासुर का जन्म हुआ था। मत्सरासुर ने असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप किया और इसके फलस्वरूप शिवजी ने इसे वरदान दिया। इसी वरदान के बल पर इसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया।
सिर्फ तीनों लोकों पर ही नहीं बल्कि कैलाश और वैकुंठ पर भी इस राक्षस ने अपना कब्जा जमा लिया था। यह सब उसने असुर गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर किया था। राक्षस मत्सरासुर से निजात पाने के लिए सभी देवगण शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने उनसे गणेश जी का आह्वान करने के लिए कहा। सभी देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय के साथ मिलकर वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र का आह्वान किया। इसी मंत्र के प्रभाव से पशुपतिनाथ ने गणेश जी के वक्रतुंड अवतार को प्रकट किया। सभी देवताओं ने वक्रतुंड अवतार से मत्सरासुर से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कहा। भगवान वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्सरासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्सरासुर के सुंदर प्रिय एवं विषप्रिय नामक 2 पुत्र थे। वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। पुत्रवध से व्याकुल मत्सरासुर रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अपशब्द कहे। भगवान वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो शस्त्र रखकर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चित मारा जाएगा। वक्रतुंड के भयानक रूप को देखकर मत्सरासुर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। भय के मारे वह कांपने लगा तथा विनयपूर्वक वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दयामय वक्रतुंड ने उसे अभय प्रदान करते हुए अपनी भक्ति का वरदान दिया तथा शांत जीवन बिताने के लिए पाताल जाने का आदेश दिया। मत्सरासुर से निश्चिंत होकर देवगण वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान की। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एकदंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावान माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।